हमारा पेनियर का फ्रेम तैयार हो गया है और ये पाउडर कोटिंग भी हो गया है, बहुत ही शानदार। हेलो एवरीवन, जाट ओबीस में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, उन लोगों के लिए जो कि लॉन्ग राइड पसंद करते हैं या दो चार दिन की राइड चलते रहते हैं। ये प्रोडक्ट बहुत ही यूज़फुल होता है, जैसे कि हमें डेली हम किसी डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं उसके बाद हमें लगेज उतारने में भी आधा पौना घंटा लग जाता है और फिर मॉर्निंग में जब हम चलते हैं कोई नई डेस्टिनेशन के लिए उसके लिए भी फिर दोबारा आधा पौना घंटा लगता है पूरा लगेज को सेट करने में बाइक पे। मैं बात कर रहा हूँ आपको पेनियर्स की, तो मैंने पेनियर्स बाय किए हैं और ये मैंने मंगाए हैं इंडी मोटर्स बोकारो से और ये लगभग 4-5 दिन में मेरे पास पहुँचे हैं। आपको पता ही है यार पेनियर्स क्यों यूज़फुल होते हैं, क्योंकि हमारी लॉन्ग लॉन्ग राइड होती हैं या बीच में हमें कोई भी प्लेस को हमने एक्सप्लोर करना पड़ता है, बाइक कहीं हमने रास्ते में खड़ी करनी पड़ती है और हमारे साथ बहुत ही कीमती सामान होता है, आपको पता ही है कि बहुत कीमती सामान रहता है और उसको सामान को साथ लेके आप किसी भी प्लेस पे एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो, तो किसी की दुकान पे खड़ी करनी पड़ती, कभी कहीं खड़ी करनी पड़ती, कहीं सामान कहीं साथ में ले जाना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत होती है यार। इसी वजह से मैंने फिर झंझट हटा दिया, मैंने पेनियर्स ले लिए। ये पेनियर्स बहुत ही शानदार हैं, एल्युमिनियम के पेनियर्स हैं और मैं अभी इस अनबॉक्सिंग करता हूँ फिर बात करता हूँ इसकी क्वालिटी बिल्ड और सब कुछ, मतलब कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो ये बॉक्स कुरियर के रूप में आया है और इसके अंदर दो पेनियर्स हैं, साथ में दो फ्रेम्स हैं जिसपे ये जो पेनियर्स टिकेंगे, तो मैं इसकी अभी अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो गाइस ये देखिए मेरे ब्लैक एल्युमिनियम के पेनियर्स हैं ये और ये इंडी मोटर्स के पेनियर हैं और मैंने ये मंगाया है लगभग 4-5 दिन पहले मैंने इसका ऑर्डर दिया था और इसकी बिल्ड क्वालिटी तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। साथ में ये मैंने फ्रेम भी ऑर्डर दिया था, इसको अपने बाइक के साथ अभी फिट कराना है, ये जो सैडल स्टे के साथ अटैच करवाऊँगा इसको, देखता हूँ कैसे होता है, इसके लिए मुझे करोल बाग जाना पड़ेगा। बाकी ये स्टेनलेस स्टील के लीच लिड लॉक है और ये क्विक रिलीज ग्रिप लॉक है, ये साथ में चार लॉक हैं और इसमें कॉमन ये है कि इसकी की एक ही है, चारों की कॉमन की है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही की से आप चारों लॉक खोल सकते हो, सबसे बढ़िया बात ये है। ये खुल के ये इस तरह से खुलता है और देख लेते हैं, ये देखिए इसमें ये आपका लेदर का बैग भी दे रखा है लेदर ग्रिप के लिए और ये कीज़ हैं इसकी, ये देखिए दो की हैं, ये रिफ्लेक्टर्स हैं, ये अपने पीछे लगाएंगे पेनियर्स के, रात को ये रिफ्लेक्ट करते हैं ये और दूर से दिखाई देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है बहुत ही है। और ये कलर ब्लैक है, मुझे तो ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने मंगाया था और बिल्ड क्वालिटी तो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। तो ये देखिए इसके अंदर ये लेदर का भी रैक दे रखा है, ये इसमें पॉकेट भी दे रखी है कुछ रखना हो कुछ, ये काफ़ी बढ़िया रहता है अपने कोई भी हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसके लिए, ये लेदर काफ़ी यार बढ़िया है, इससे ना टूटने का ख़तरा नहीं रहता, डैमेज होने का ख़तरा नहीं रहता। तो ये हमारे बॉक्सेस हैं, तो ये है माउंटिंग लूप जो इसके साथ अटैच हो के आई है, ये मुझे बाइक के साथ फिटिंग करवानी पड़ेगी, वेल्डिंग करवानी पड़ेगी और उसी के बाद मैं अपना ये पेनियर्स अटैच कर सकता हूँ। तो चलते हैं अब अपना फिटिंग के लिए किसी वेल्डर के पास। अभी मैं हूँ हैज रोड करोलबाग में और ये है राजू वेल्डर जो कि जो बुलेट के या रॉयल एनफील्ड के लगेज कैरियर बनाते हैं, इनके यहाँ पीछे छोटी सी शॉप है जिसमें सारे लगेज कैरियर बनते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने पेनियर्स बाय किए हैं, ये मेरे पीछे बाइक खड़ी है
और इसका मैंने फ्रेम तैयार कराना है। तो यशराज भाई ने मुझे रेफरेंस दिया था इनका, तो मैं आया हूँ राजू भाई के पास और अभी ये दोनों मेरे जाना के जो सैडल स्टे को उतार दिया है। तो अब हम अपना फ्रेम तैयार करवा रहे हैं जिस पे हमारा जो पैनियर्स टिकेंगे, तो देखते हैं कैसे बनते हैं और आपको दिखाते हैं। ये हमने जाना का जो सैडल स्टे को उतार दिया है और अब दूसरी तरफ जाना के सैडल स्टे उतारे जा रहे हैं, ये जो मेरे लगे हुए थे। अब देखते हैं इसी को मॉडिफाई करते हैं या फिर नए फ्रेम इसके साथ लगाते हैं बना के। और ये है हमारे राजू भाई। तो ये राजू भाई की फैक्ट्री है जहाँ पे लद्दाख कैरियर जो लगेज कैरियर बनाए जाते हैं रॉयल एनफील्ड के। और हम अपनी बाइक में अभी फ्रेम तैयार कराने हैं पैनियर्स, ये मेरे पैनियर्स पड़े हैं तो अभी तैयार कराते हैं अपने फ्रेम। तो गाइस ये हमारा फ्रेम का काम चल रहा है, राजू भाई की शॉप है ये, देखिए सारे लगेज कैरियर बने हुए हैं यहाँ पे, ये सिर्फ लगेज कैरियर का काम करते हैं यहाँ पे सारे। और ये हमारा फ्रेम तैयार किया जा रहा है यहाँ पे। कितने सूत की पाइप है, पौने इंची, मोटाई कितनी है, 16 गेज है। तो गाइस हमारे फ्रेम बाइक पे फिट हो गए हैं ये देखिए। और जो ये इसको अटैच किए हैं बाइक से, एक ही तो यहाँ से अटैच हुआ है, काफ़ी हैवी है, और दूसरा ये रॉड यहाँ से यहाँ पे अटैच की गई है, और तीसरा ये यहाँ से दूसरे फ्रेम के साथ अटैच किया गया है। तो ये दोनों साइड के दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए बहुत ही बढ़िया फ्रेम है और मज़बूत फ्रेम है, पूरे पैनियर का वजन आराम से उठा सकते हैं। और 16 गेज की पाइप लगी है ना इसमें, 16 गेज की पाइप है, बहुत ही बढ़िया, और पाउडर की कोटिंग हो गई है इसकी। तो अब हम करने वाले हैं अपने पैनियर इस पर फिट। चलो जी पैनियर लगाओ अब इसको। और ये हमारा पैनियर हो रहा है फिट, देखिए जस्ट 20 सेकंड के अंदर अंदर हमारा पैनियर फिट हो गया है। सिर्फ 20 सेकंड लगे हैं हमारे पैनियर को फिट करने में, जबकि दूसरे कोई भी पैनियर होता तो कम से कम 5-10 मिनट खा जाता हमारा पैनियर। और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है हमारे बाइक के साथ, ये हमारी बाइक है डोमी और उसके साथ ब्लैक पैनियर्स, और ये है इंडवी मोटर के पैनियर्स। और सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप अगर बाय करना चाहें तो। ये देखिए बढ़िया हमारे दोनों पैनियर्स लग गए हैं, ये देखिए ये हमारे पैनियर्स, बहुत ही ब्यूटीफुल पैनियर्स। और एक चीज़ का और ध्यान करना, जब भी आप ये फिटिंग करें तो ये लॉक इनसाइड होनी चाहिए अंदर की तरफ, कल को बाहर से किसी टक्कर होती है कुछ होती है तो ये आपके लॉक सेफ हो जाएंगे और बैग खोल सकते हो आराम से। ये चीज़ का भाई ने बताया था मुझे, राजू भाई ने, कि ये चीज़ करवा लो, और मेरे पास ऑलरेडी टॉप बॉक्स है मैं लगाऊंगा। तो इस फ्रेम के बारे में या कोई भी आप क्वारी हो आपकी, यहाँ पे जो राजू भाई है ये अपना क्रैश गार्ड भी बनाते हैं, अपना सैडल स्टे बनाते हैं, टॉप रैक बनाते हैं, कोई भी मतलब कि लगेज कैरियर चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, तो ये हमारे राजू भाई हैं, इनकी शॉप है इधर, कौन सी जगह है ये, फैज रोड है ना, फैज रोड में है इनकी दुकान, यहाँ पे आ सकते हैं। मैं इनका नंबर भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ये इनका कार्ड है, ये देखिए ये इनका कार्ड है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बाकी मैं मैसेज में डाल दूँगा इसको। तो अभी रेट मैं पता कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको रेट डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा आपको। तो आपको ये कैसा लगा मेरा पूरा सेटअप मुझे बताना, और आपके पास कोई भी क्वारी हो तो प्लीज़ मैसेज मी एट जाट ऑन व्हील्स मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। तो अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद।